आया भारत में सोना, 50,000 के करीब पहुंची भारत में सोने की कीमत। महंगाई सोने की जगह डॉलर को सपोर्ट कर रही है। आज को ऑल टाइम हाई के बाद सर्राफा बाजार में गिरावट देखने वाला है। और अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो क्या आपको सोना इस भाव पर खरीद लेना चाहिए या और दाम घटने का इंतजार करना चाहिए? अगर आप भी सोना या चांदी में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो या सोने में निवेश करना चाहते हो तो आप सभी लोगों के लिए काफी अच्छी खबर आ चुकी है। सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि भारतीय सर्राफा बाजार में दिवाली के समय सोने की मांग सबसे ज्यादा रहती है। ज्यादा से ज्यादा लोग सोने और चांदी की खरीदारी करते हैं। ऐसे में सोने और चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दरअसल दिवाली से पहले खबर यह है कि दिवाली से पहले सस्ता हुआ सोना। जी हाँ, दिवाली से पहले सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सोने का भाव सस्ता हो चुका है। वहीं आप सभी को बता दें कि भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भी बदलाव होता है तो सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार पर देखने को मिलता है। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो लगातार सोने के भाव में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर MCX का सोने का भाव है जिसमें लगातार 5 से 6 दिनों से बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कुछ महीने पहले ही, सिर्फ एक महीने पहले ही सोने का भाव $1,900 और $2,000 के पार था, जो कि अब $1,800 के नीचे पहुंच चुका है। यानी कि लगभग $200 तक की बड़ी गिरावट यहां पर सोने के भाव में देखने को मिली है। अगर आप भी चाहते हो कि भारत में सोने और चांदी का भाव सस्ता होना चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए तो बात कर लेते हैं आज भारत में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का भाव कहां पर पहुंच चुका है, तो वहीं चांदी के भाव में कितने बदलाव देखने को मिला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 14 कैरेट सोने की कीमतों के बारे में। तो यहाँ पर 1 ग्राम पर 3,366 रुपए, 8 ग्राम पर 26,927 रुपए, 10 ग्राम पर 33,658 रुपए, 100 ग्राम पर 3,36,583 रुपए आज 14 कैरेट सोने का भाव पहुंच चुका है। इसी के साथ में बात करें 18 कैरेट सोने की कीमतों के बारे में। तो यहाँ पर 1 ग्राम पर 4,328 रुपए, 8 ग्राम पर 34,620 रुपए, 10 ग्राम पर 43,275 रुपए, 100 ग्राम पर 4,32,750 रुपए आज 18 कैरेट सोने का भाव पहुंच चुका है। इसी के साथ में बात करें 22 कैरेट सोने की कीमतों के बारे में। तो यहां पर 1 ग्राम पर 5,289 रुपए, 8 ग्राम पर 42,313 रुपए, 10 ग्राम पर 52,892 रुपए, 100 ग्राम पर 5,28,917 रुपए आज 22 कैरेट सोने का भाव पहुंच चुका है। इसी के साथ में बात करें 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमतों के बारे में। तो यहां पर 1 ग्राम पर 5,770 रुपए, 8 ग्राम पर 46,160 रुपए, 10 ग्राम पर 57,700 रुपए, 100 ग्राम पर 5,77,000 रुपए आज 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव पहुंच चुका है। वही अगर चांदी की कीमतों की बात करें तो यहाँ पर 1 ग्राम पर 72 रुपए, 10 ग्राम पर 716 रुपए, 100 ग्राम पर 7,160 रुपए, 1 किलोग्राम चांदी का भाव 71,600 रुपए पर पहुंच चुका है। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हो कि भारत में सोने और चांदी का भाव सस्ता होना चाहिए, सोने की कीमतों में गिरावट आनी चाहिए, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।